अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं YouTube चैनल वाइट विजन। आज हमारे पास एक खुसूसी मेहमान और बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है इनकी। इनके लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जी, तो मैंने आपको बताया कि आज हमारे पास एक ऐसे विजुअली चैलेंज्ड पर्सन हैं जिन्होंने जिंदगी में चैलेंजेस लिए, और जो जो शख्स जिंदगी में चैलेंजेस ले उसकी कामयाबी में कोई शक नहीं होता। हमारे साथ इस वक्त पैराग्लाइडिंग के माहिर मौजूद हैं, सुलेमान अरशद। अस्सलाम वालेकुम सुलेमान। वालेकुम अस्सलाम मैम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने जितना अच्छा इंट्रोडक्शन कराया उस चीज़ के लिए बहुत शुक्रिया। नहीं, इंट्रोडक्शन तो मैंने कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि जो आपके बारे में मुझे जितनी मालूमात हुई उस हिसाब से तो माशाल्लाह माशाल्लाह यू आर वेल डूइंग। और आप अपने बारे में खुद बताइए, पहले तो बताइए अबाउट योर विजन, के आपकी विजन कैसे लॉस हुई। अच्छा स्टार्ट करता हूँ कि साइट कैसे जाना शुरू हुई। तो पैदाइश से, क्योंकि फैमिली में ऐसा कोई पहले बच्चा नहीं था जिससे पता चल सकता, डायग्नोज हो सकता। सो सिक्स आफ्टर 6 मंथ्स जो है, जब बच्चा थोड़ा मूवमेंट करना शुरू करता है तो आइडिया हुआ कि ये सही फोकस नहीं कर पा रहा। तो तब डॉक्टर्स के पास ले गए और तब पता चला था कि ये ग्लूकोमा है, जो डिजीज होती है जिसे कहा जाता है ना काला मोतिया, उर्दू में आम जबान में बोलते हैं। तो ये तभी पता चल गया था। लेकिन वो जो मेरी साइट थी वो काफी अच्छी थी। जैसे मैं स्कूल जो है, मैं 7 तक जनरल एजुकेशन में पढ़ा, उस स्टेप बाय स्टेप जो ग्लूकोमा को लोग समझते हैं या जानते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप आपकी कम होती जाती है साइट। तो मेरे साथ भी ऐसा था कि 6 7 तक मैं जनरल एजुकेशन में पढ़ा, फिर जब ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो देन आई शिफ्टेड टू स्पेशल एजुकेशन। ओके, यू आर बिलोंग्स टू इस्लामाबाद। जी डेफिनेटली, बिल्कुल। तो इस्लामाबाद में आपने किस इंस्टीट्यूशन से एजुकेशन ली ब्लाइंड होने आफ्टर योर। जी, इस्लामाबाद से मैंने जो स्पेशल एजुकेशन चूज किया, क्योंकि इस्लाम अगर आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकूं तो स्पेशल एजुकेशन बहुत कम होते हैं। ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कोई एक एक दो दो शायद स्पेशल एजुकेशन हो। तो जी उसमें से जी जो जी मेरे घर के काफी करीब था वो था अल मक्तूम स्पेशल एजुकेशन, जी जो कि जी मेरे घर जी से काफी ज्यादा करीब था, तो मैंने फिर वहां वो ज्वाइन किया था। ओके। वैसे ये तो शिकवा शिकवा सबको है, कराची जैसे इतने बड़े शहर में सेंटर्स नहीं है, खैर ये तो एक अलग एक मौजू है। जी तो बिल्कुल सुलेमान, जब आपकी विजन लॉस होना शुरू हुई, लेकिन सेम हेयर, बिल्कुल मेरा भी यही प्रॉब्लम था, लेकिन जाहिर बात जो देख रहे हैं हम लोगों को उनके बताने के लिए कि उसमें आपके पेरेंट्स का क्या रोल था, और व्हाट अबाउट यू, आपकी थिंकिंग क्या थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी मैं शायद कुछ भी कह लूँ तो बिलीव भी लोग कर लेंगे, लेकिन शुरू में एक्सेप्टेंस मैं खुद, लोग क्या एक्सेप्ट करते, शुरू में मैंने इस चीज़ को खुद एक्सेप्ट नहीं किया था। क्योंकि जब एक बच्चा या कोई भी बाय बर्थ ब्लाइंड होता है, टोटली नहीं देख सकता, उसके लिए एक्सेप्ट करना बहुत आसान होता है। लेकिन एक ऐसा बच्चा जो फुटबॉल नॉर्मल बच्चों के साथ खेल रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है, वो बाकी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, या वो बाकी घूमना फिरना उसी तरह से कर रहा है, तो जब उसके साथ ये प्रॉब्लम आता है दुनिया उसके लिए बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। तो मैं तो कुछ टाइम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे फिर अपने स्कूल चेंज करना पड़ा, फिर मुझे अपने दोस्त चेंज करने पड़े, फिर इसी तरह से। तो मेरे फैमिली तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि शायद इस्लामाबाद में रहने रहने से तो उनके अंदर अवेयरनेस थी, स्कूल्स का पता चलाया, फिर वहां पर दाखिल हुआ, तो उनकी तरफ से जी तो मोटिवेशन थी ही। लेकिन मैं खुद एक टाइम में आके ना हिम्मत हार गया था और आइसोलेशन में चला गया था। लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइज हुआ कि आई हैव जस्ट टू ऑप्शंस, एक मैं सारी जिंदगी इसी तरह रोता रहूं, एक्सक्यूज पेश करता रहूं, और सेकंड वन कि मैं उठूं और इन सब चैलेंजेस को एक्सेप्ट करूं। सबसे बड़ी चीज़ है, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते तो आप उसका सोल्यूशन नहीं ड्राइव कर सकते।
सो मैंने उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन ये बहुत आसान नहीं था. अभी मैं बोल रहा हूँ तो शायद आसान लग रहा हूँ, लेकिन जो एक्सेप्टेंस है उसमें मुझे काफी टाइम लगा था. देखिए एक्सेप्टेंस जो होती है ना, इट्स अ वेरी बिग टॉपिक. अगर हम बस आराम से कह दें, मैं कह दूं, आप कह दें कि ओवरनाइट चेंज था, बट नॉट, इट्स नॉट ओवरनाइट चेंज. लेकिन पेरेंट्स की और फैमिली के जब तक हमारे साथ एक एफिलिएशन नहीं होगी, एक उनका रवैया जो है, वो रवैया जिसे आम अल्फाज में कहें, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते. तो फिर तो हम वही सेकेंड वाली थिंकिंग जो आपकी थी ना, कि हम रोते रहें, वो रोते रहते. तो ये वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी. कहना बिल्कुल सही कह रहे हैं, आसान है, लेकिन उनके दिल पे क्या गुजरी या उनकी थिंकिंग जो थी वो क्या थी, उन्होंने हम पे कभी मुसल्लत नहीं की. ठीक है, इसके बाद आपकी एजुकेशन कहाँ तक है? जो इस्लामाबाद में, क्योंकि जो स्पेशल एजुकेशन है वो शायद कराची में आई थिंक यूनिवर्सिटी लेवल तक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो इस्लामाबाद में जो स्पेशल एजुकेशन है वो सिर्फ मैट्रिक तक था. तो मैट्रिक के बाद मुझे जनरल एजुकेशन में जाना था. कॉलेज मैंने फिर इस्लामाबाद से किया, लेकिन उसके बाद मुझे एक ये शौक आ गया, या यू कैन से कि मैं ना इन सब चीज़ों से थोड़ा सा तंग भी था, और घर वालों की या जो बाकी दोस्त हैं वो उनकी पैम्पर मुझे बहुत ज़्यादा करने लग गए. तो उसकी वजह से मैं सिटी चेंज करना चाह रहा था कि मैं इंडिपेंडेंट हो सकूं, जहाँ पे अगर मुझे कहीं जाना है तो मुझे किसी का हेल्प ना ज्यादा से ज्यादा ना लेनी पड़े, कम से कम लेनी पड़े. तो देन आई शिफ्टेड टू लाहौर, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया, और फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन जो था 4 साल पंजाब यूनिवर्सिटी से किया. और ऑल्सो ये भी बहुत टफ डिसीजन था, क्योंकि पेरेंट्स को मनाना, स्पेशली अम्मी को मनाना, वो बड़ा मुश्किल था. लेकिन फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने BS ऑनर्स किया है मैनेजमेंट साइंसेज में. तो 2013 टू 2017 मेरा जो था वो यूनिवर्सिटी लाहौर में थी. ग्रेट ग्रेट, ये डिसीजन, ये जो विजुअली चैलेंज पर्सन हमें देख रहे हैं ना और सुन रहे हैं, देखने और सुनने वाले दोनों के लिए बहुत बड़ा लेसन है कि आपको स्टेप खुद लेना है, और हमें उस लाइन की तरफ जाना चाहिए जहां हमारे हर विजुअल जो चैलेंज पर्सन होते हैं वो एक ही लाइन की तरफ जाते, नहीं समथिंग डिफरेंट. तो बहुत अच्छा लगा. लेकिन अब असल चीज पे मैं आ रही हूँ. आप लोगों को खुद ही बताएंगे सुलेमान के, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि सुलेमान माशाल्लाह वेल डूइंग, और ये जो कर रहे हैं ये तो कहते हैं ना अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा देने वाली बात होती है, लेकिन सुलेमान माशाल्लाह माशाल्लाह आई एम वेरी इम्प्रेस्ड. तो अब ये कहानी आप खुद हमारे व्यूअर्स को और लिसनर्स को बताइए. जी अच्छा, ये कहानी थोड़ी सी इस शौक से आप बहुत ज्यादा रिलेट करती है, क्योंकि मेरा बिलीव ये भी है कि आपका जो भी शौक है, अगर तो वो शौक और लगन उस बारे में सच्ची है तो आप चीज कर सकते हैं. सो जितने विजुअल इंपेयर्ड मुझे सुन रहे हैं, पाकिस्तान में सिर्फ ब्लाइंड क्रिकेट को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, और मुझे क्रिकेट शुरू से पसंद नहीं थी. मतलब पता नहीं क्यों, मैं शुरू से, क्योंकि जब साइडेड था तो मैं फुटबॉल खेलता था या मार्शल आर्ट खेलता था या इस किस्म की एक्टिविटीज में मेरा ध्यान लगा रहता था. क्रिकेट मुझे शुरू से पसंद नहीं थी. तो जब मुझे पता चला कि मैंने, मेरी साइड लॉस हो रही है और मेरे पास सिर्फ ऑप्शन जो है स्पोर्ट्स में सिर्फ क्रिकेट की है, सो मैंने सर्च करना शुरू कर दिया डिफरेंट एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब इस्लामाबाद में, और कि मैं एडवेंचर कुछ करूँ. अब उसकी दो रीजन आप कह सकती हैं. एक ये कि शुरू से मुझे ये था कि अगर आप, तो आपने जैसे बड़ी खूबसूरत बात की कि आप अगर एक लाइन में लग जाएंगे ना, कि अगर सब विजुअली इंपेयर्ड, अगर पढ़ाई की बात करूं तो इंग्लिश और उर्दू में BS कर रहे हैं या फिर पास स्टडीज में कर रहे हैं, तो वो उसी में लग जाऊंगा. और स्पोर्ट्स में भी, अगर मैं क्रिकेट में, तो सब भी तो क्रिकेट खेल रहे हैं, मैंने क्रिकेट खेल लिया तो मैंने क्या यूनिक किया ना. तो मेरा मशवरा और मेरी एडवाइस और मेरा एक्सपीरियंस भी है कि आप समथिंग यूनिक, आप यूनिकनेस की तरफ जाएं. सो अल्लाह ताला उसमें लाजमी रास्ते निकालता. तो मैंने एडवेंचर स्पोर्ट्स का इंतखाब किया. उसमें अगर मैं बता सकूं, जो लोग वॉल क्लाइंबिंग आती है उसमें रिवर क्रॉस करना होता है, उसमें वो कैसे कहते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग आती है, उसमें पैराग्लाइडिंग आती है, और इसमें जिप क्लाइंबिंग आती है, जो मुझे खुद भी नहीं शुरू में पता. बस मुझे पता था कि मैंने एडवेंचर स्पोर्ट्स कुछ करना है, कि कुछ ऐसा करना है. क्योंकि मीडिया में भी आपने देखा होगा, जब विजुअल इंपेयर्ड या किसी भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज की डॉक्यूमेंट्री चलती थी तो बड़े सैड अंदाज में पीछे बड़ा एक रोने धोने वाला म्यूजिक लगाया होता था. सो मैं, आई वॉन्ट टू चेंज द पैराडाइम.
वो इस तरह से कि जब जब मेरी डॉक्यूमेंट्रीज फिर बनना शुरू हुई या बाकी विजुअल चैलेंज की, तो उसमें एक थ्रिल दिखा रहे हैं कि इनके अंदर भी उतना ही थ्रिल है जब हम दीवारों पर चढ़े हैं या हम कोई रिवर को है रिवर क्रॉस कर रहे हैं। रिवर क्रॉस अगर मैं बता सकूं तो दो पहाड़ों के दरमियान में रस्सी बंधी होती है, तो बीच में दरमियान में पानी होता है, तो आपने उस रस्सी के थ्रू क्रॉस करना होता है। सो बड़ी मजा आता है ये पैराग्लाइडिंग एक और यूनिक सी चीज थी। शुरू में मैं ये बता दूं कि अगर कोई लोग सोचें कि मैंने ये सोचा और मैंने कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। शुरू में जब मैं फोन करता एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब वालों को कि मैंने ये करना है, वो मुझे बुलाते इनवाइट करते, लेकिन जैसे ही उन्हें मैं बताता फोन पे कि मैं विजुअली चैलेंज हूँ, मैं देख नहीं सकता, सो मुझे उसी टाइम रिजेक्ट कर देते कि तुम नहीं कर सकते, किधर हमें भी तुम फंसवाओगे। सो आपको एक अच्छा मेंटोर मिलना भी बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन मैंने कोशिश करता रहा, यू कैन से कि साल डेढ़ साल कोशिश करता रहा। मैंने एक दफा वैसे, क्योंकि मैंने हिम्मत नहीं हारी, तो मैंने एक कॉल की और उन्होंने बताया कि मैं विजुअल चैलेंज हूँ। दैट गाय, उन्होंने मुझे कहा कि आप देख नहीं सकते, मैंने कहा यस। उन्होंने कहा मैं तुम्हें खुद पिक करने आ रहा हूँ। वो दिन था, मुझे लगा कि मेरा वहीं पे जो मैं अचीव कर लिया जो मैं करना चाहता था। तो फिर मैं अगर इसको कट शॉर्ट ये करूँ कि फिर वो आए, उन्होंने मुझे पिक किया, वो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम रॉक दिखाई। इवन मैं खुद डर गया था कि कैसे करूंगा जब उन्होंने मुझे उसके इक्विपमेंट्स पहनाना शुरू किए। तो जब मैं क्लाइंब कर रहा हूँ, स्टार्ट में ही था, तो उन्होंने कहा सुलेमान तुम्हें क्लॉक का आइडिया है, घड़ी का? मैंने कहा जी है। उन्होंने कहा जब तुम क्लाइंब कर रहे होगे, ऊपर जा रहे होगे, तो मैं तुम्हें क्लॉक वाइज समझाऊंगा। सो ये होती है हमारे टीचर्स या हमारे मेंटर्स, अगर किसी विजुअल इम्पेक्ट को समझाना या सिखाना हो ना, तो इस तरह की वो चीज होती है। उन्होंने शायद किसी मूवीज में देखा था या कहीं कहीं पढ़ा था, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। फिर उसके बाद मैं कहीं रुका नहीं, मतलब उसके बाद मैं करता रहा। देन आई थिंक मैं एक और यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि वो कहते हैं ना, अपने लिए तो सभी जीते हैं, जहाँ में है जिंदगी का मकसद। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यस, पलटना झपटना, पलटना झपटना, झपट कर पलटना, तो बस वो वाली बात होती है कि हम हमें एक मतलब मैं सहारा नहीं कहती उसको, हमें एक फिंगर चाहिए होती है, तो आपको वो बिल्कुल एट अ टाइम मिल गई। और जी तो फिर मैंने उसके बाद ये सोचा कि अगर मैं ये चीज कर सकता हूँ, व्हाई नॉट अदर विजुअली इम्पेयर्ड्स, क्यों नहीं वो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते। तो फिर मैंने अपने, और ये भी आपको एक मैं मजे की बात बताऊं, जब मैं शुरू में ये चीज करने जाता था, मैं अम्मी को बताए बगैर जाता था, क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझे कभी भी इस चीज के लिए नहीं करने देंगी। तो जब मैं उनको, क्योंकि अपने इत्मीनान में इस तरह से लेना होता है कि वो माँ है, वो फिर जब देखेंगी कि क्लाइंब कर रहा, तो वो डरती थी या वो रिस्क फैक्टर क्या है, हालांकि पूरी सिक्योर गेम है, ये इंटरनेशनल गेम्स होती हैं इसलिए ना। तो फिर मैंने जब कुछ टाइम किया, वीडियोस बनी, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनी, देन उन्हें दिखाया, और तब उन्होंने प्राउड फीलिंग्स हुई कि हाँ यार ये जबरदस्त चीज है, और माशाल्लाह इस तरह से ना। तो फिर मैंने लोगों को जो इस्लामाबाद में, क्योंकि मैं रहता था, और लाहौर में मेरी यूनिवर्सिटी थी, तो मैंने वहां पे लोगों को इकट्ठा किया, उनको भी कन्विंस किया सॉर्ट ऑफ, क्योंकि उनके दिल में भी एक डर था कि हम गिर जाएंगे या सेफ्टी क्या मेजर्स है, तो प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स उन्हें बता के, एंड देन उनको भी ये सारी एक्टिविटीज कराई और ये सारा इनिशिएटिव किया था। जबरदस्त जबरदस्त, लेकिन ये सुनने में जितना इजी लग रहा है ना आप लोगों को, ये इतना इजी होता नहीं है। हमें जिंदगी में जब हम किसी जगह पहुंच जाते हैं ना और पलट के देखते हैं, जो मैंने आपसे कहा था ना पलटना पलट, तो जब पलट के देखते हैं, अच्छा ये सब हमने की है, हम भी ऐसे कर सकते हैं। तो ये जब इस मुकाम पे सुलेमान की जगह आ जाते हैं, तो आप आराम से कह सकते हैं करना कोई मुश्किल नहीं है। और कोई भी चीज, जैसे सुलेमान ने कहा कि कोई चीज मुश्किल नहीं होती, पहला स्टेप आपको मुश्किल लगता है, जब आप सेकंड उठा लेते हैं ना, तो आप यकीन कीजिए कि आप बहुत आगे चले जाते हैं। अच्छा, इसमें आपको मतलब आपको सोसाइटी और गवर्नमेंटल कितनी सपोर्ट रही? अच्छा, सोसाइटी के हद तक तो हमें ये सपोर्ट थी कि जहाँ पे हम ये क्लाइंबिंग करने जाते थे, तो जो वो उस जगह होती थी, जैसे उस वॉल क्लाइंबिंग है, तो पूरा ये भी बताया ना कि स्पोर्ट्स का एक आता है, फील्ड में आता था, तो हमारे लिए वो या तो डिस्काउंट कर देते थे या फिर एग्जेम्प्ट कर देते थे जो हमने इवेंट्स जितने कराए ना हमें, क्योंकि हम एक हम एनजीओ नहीं थे, हम किसी से डोनेशन लेते नहीं थे, तो हम उन्हें बताते थे कि हम ये एज अ सोशल कॉज के लिए कर रहे हैं ना, हम कोई टिकट चार्ज नहीं करते थे किसी भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ, और उन सोसाइटीज के साथ ये हेल्प जरूर लेते थे कि उसके जो वॉल के जो चार्जेस हैं
वो हम ना दे सकें, और हमें गवर्नमेंट के हद तक तो नहीं लेकिन इंटरनेशनली मुझे रिकग्निशन जो मिली थी 2016 में कॉमनवेल्थ के द्वारा, जो कि 53 कंट्रीज में है, सो उसकी तरफ से हर साल एक अवार्ड देते हैं वो, ठीक है। सो 2016 में कॉमनवेल्थ यूथ वर्कर अवार्ड मिला था मुझे पूरे एशिया रीजन से, दुनिया से 5 लोगों को मिलता है और पूरे एशिया से वो मुझे मिला था जी। वाओ, इट्स वेरी प्राउड। तो उस साल की जो थीम थी वो थी एम्पावर पीपल थ्रू आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, कि कौन है वो लोग जो एम्पावर करें थ्रू आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। तो मेरा जो काम जैसे आपने सारा देखा वो एम्पावरिंग था, क्योंकि विजलिंग पेट को एम्पावर कर रहा हूँ मैं थ्रू स्पोर्ट्स, तो ये इसकी नॉमिनेशन गई और फिर मुझे एशिया से यूके में बुला के फुली फंडेड जो था वो ये अवार्ड मिला था। ओह ग्रेट ग्रेट वेरी, ये तो भाई हम सबके सर फखर से बुलंद कर देने वाली बात है सुलेमान। अच्छा सुलेमान, जैसे आपने ये बताया ये ना बहुत मुश्किल है ना बहुत आसान, जाहिर बात है हमें पहला कदम उठाना मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप पहला कदम उठा लेते हैं तो आप सब अचीव कर लेते हैं। तो आप क्या समझते हैं अपनी यूथ से आपको इन फ्यूचर कितनी उम्मीद है, विजुअली इम्पेयर्ड और चैलेंजिंग पर्सन के लिए कितनी उम्मीद रखते हैं आप कि आगे ये चीज चलेगी? बहुत ज्यादा मुझे होप है, क्योंकि मैंने अपनी जब मैंने पता इंटरनेशनली भी ट्रैवल किया, जो इंटरनेशनल VI है यानी कि जो बाहर के मुल्क का विजुअली चैलेंज है, वो हमारे VI उनसे बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि उनको हर किस्म की फैसिलिटी दी हुई है, गाइड डॉग्स टीम में स्टाइपेंड दिया हुआ है। वो हमारी तरह, अगर मैं एक आम टर्मिनोलॉजी में बोलूं तो हमारी तरह वो खजल खवार नहीं होते, ठीक है, जैसे हम लोग बसेस के धक्के खा रहे हैं या बाकी चीजें कर रहे हैं। सो हमारे बहुत एक्टिव हैं। द थिंग इज, अब गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाने की जरूरत है कि वो बाकी स्पोर्ट, और इवन मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जो ये स्पोर्ट्स हैं और कुछ और इंडोर स्पोर्ट्स मैंने जब देखा और उसे एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, तो गवर्नमेंट से भी यही डिमांड, क्योंकि ब्लाइंड लोग हम पाकिस्तान में फिर भी क्रिकेट खेल लेते हैं, फीमेल्स के लिए क्या, वो फीमेल्स जो विजुअली चैलेंज है उनके लिए तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है स्पोर्ट्स की, वो कैसे आपको फिजिकली फिट रखें, ठीक है। सो मेरा ये बिलीव है, जैसे टेबल टेनिस एक गेम है वो इंडोर खेली जा सकती है, फिर स्विमिंग है, और अब हंड्रेड्स, मैं जब मैं एक वाक्य शेयर करता हूँ, मैं 2016 में गया था जापान, ठीक है, तो एक UNOSDP का प्रोग्राम था, यूनाइटेड नेशन स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट पीस, तो वहां पे मेरी एक साहब से मुलाकात थी, मेरी पैदाइश है 1992 की, ठीक है, और मैं उन साहब से मिल रहा था, वो विजुअली इम्पेयर्ड थे, टोटली ब्लाइंड थे, और वो 92 में स्विमिंग में गोल्ड मेडल हो रहे थे। अब देखें वो जापान कितना हमारा माशरे में कितना हम, आई गेस 50 साल हम पीछे हैं, ठीक है, और यहाँ पे अभी तक कोई एक भी विजुअली इम्पेयर्ड स्विमर हुआ, ठीक है। फैसिलिटीज की बात होती है ना, सारी बातें फैसिलिटीज की होती हैं, कि जो हमारी ये जो NGOs हैं या हमारे स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बस एक वो मतलब अगर मैं एक लफ्ज कहूँ, लकीर के फकीर बने, बस इसी पैटर्न पे हमें पढ़ना है तो इसी पैटर्न पे हमें पढ़ाना है और पढ़ना है। अच्छा आप क्या समझते हैं कि ब्लाइंड के लिए स्पोर्ट्स and education both are very important, very much important ma'am। ek baat aapne ngo ki thi, main agar pehle wahan se leke chalo na, kyunki 15 october hamara white skin day bhi hota hai aur yahan 3rd december jab disabled world disabled day hota hai, to sab ngos kya kar rahi hoti hain ki wo white canes de rahi hoti hain har saal, aur har saal wo gaane baja rahe hain, theek hai, main to sirf ek idea ye hai ki wo kyun nahi wo sports ke events kyun nahi munaqid karate, वो लोगों को एम्पावर ऐसी चीज क्यों नहीं करते। और अब मैं इस सवाल पे आता हूँ, एजुकेशन तो है ही है, लेकिन अगर आप देखें एक बंदा जो बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन ये तो जो स्पोर्ट्स की एजुकेशन है, अगर मैं इनको मिक्स करूं तो ये तो ब्लाइंड के लिए क्या, ये दूसरे बंदे के लिए भी इतना ही जरूरी है। ब्लाइंड के लिए ज्यादा क्यों हो जाता है, ब्लाइंड बंदे के लिए ज्यादा क्यों हो जाता है कि एक बंदा पढ़ लिख गया, लेट्स से वो किसी भी अच्छी सीट पे है, तो वो अपनी फिजिकल अपने आप को फिट नहीं रख रहा कि उसे पता एक्सरसाइज कैसे करनी है। मैं भी रिसेंटली कराची आया था दिसंबर में, तो हमारे बहुत से जो यूथ हैं, लड़कियां लड़के, अगर मैं उन्हें छोटी छोटी एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ, उन्हें बिल्कुल नहीं आइडिया कि वो कैसे करें, ठीक है। सो द थिंग इज, ये क्योंकि हम पढ़ते हैं, जॉब करेंगे, चलो फैमिली सेटल हो जाए, जो पेरेंट्स हैं उनको खुश रख लें, इस तरह से, ठीक है, वो बहुत जरूरी है, लेकिन हेल्थ ऐसी जो आपके अपने लिए, ठीक है, अगर फिजिकल एजुकेशन, बिल्कुल
बिल्कुल, एक तो उन्हें पता होना चाहिए क्या खाना है, क्या पीना है, क्या क्या पहनना है, जी क्या कब एक्सरसाइज करनी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम इसको बहुत लाइट लेते हैं हमेशा। अच्छा, अब असल में मसला देखिए, जो हम समझते हैं, अब बीइंग अ सीनियर पर्संस मैं ये समझती हूँ कि जो हमारा एक बहुत बड़ा मसला है ना, मोबिलिटी एंड ओरिएंटेशन का है। हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जब तक मोबिलिटी ओरिएंटेशन पे काम नहीं करेंगे, तो यू कांट गेट एनी फिजिकल एजुकेशन और एनी अदर एजुकेशन। बिल्कुल तो बिल्कुल हमें फिजिकल एजुकेशन के लिए पहले मोबिलिटी, क्योंकि देखिए मोबिलिटी, चले आप हुए मैं या हमें बहुत से हम जैसे लोग हैं जिनकी मोबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी होती है, कि हमने एक चीज को विजुलाइज भी किया हुआ है, ठीक है। जी जो बिल्कुल जिन जो बाय बर्थ होते हैं उनके लिए भी मोबिलिटी उतनी ही जरूरी है जितनी हमें आती है, बिल्कुल तो हमारी बिल्कुल कोशिश होती है। और इसमें जो हमारा BRFP है, ब्लाइंड सोर्स फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, इसने मोबिलिटी के कोर्सेज भी कराए हैं, डिफरेंट कोर्सेज हमने कराए हैं, मोटिवेशनल कोर्सेज कराए हैं हमने। इसमें आप जो ग्रूमिंग है, ग्रूमिंग बेसिकली ये फिजिकल एजुकेशन, ये सब फॉर ए विजुअल इम्पेक्ट, ग्रूमिंग फिजिकल ग्रूमिंग एजुकेशन इज अ वेरी वर्स्ट वर्स्ट एंड मस्ट सब्जेक्ट। अच्छा, अब थोड़ी बिल्कुल सी पर्सनल लाइफ पे आते हैं कि आप क्या समझते हैं कि आप खुद विजुअली इम्पेयर्ड हैं, तो लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा ये हमारे सुनने और देखने वालों को पता हो। अच्छा, क्योंकि एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, मेरा ख्याल से इस पे मैं अगर एक लफ्ज ही कह दूं तो बहुत होगा, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यस वो बेशक अगर आपको VI में अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है तो बेस्ट है, अगर आपको साइडेड में अंडरस्टैंडिंग मिलती है तो बेस्ट है। लेकिन ये जो यस लोग टिपिकली पहली अप्रोच बना लेते हैं अपने माइंड में कि यार मैंने तो VI से करनी ही नहीं है, क्योंकि वो भी VI होगी, मैं भी VI जी होंगे, तो जिंदगी कैसे गुजारेंगे। ये अप्रोच बिल्कुल गलत और नेगेटिव है मेरे ख्याल में। अगर और क्योंकि समटाइम्स वेरी वेरी आप ग्रेट एक्सपीरियंस ये है ना कि अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी VI के साथ, तो आप उसी में, और अगर आप पहले ही सोच लेंगे ना, जैसे हमारे यहाँ एक बहुत, बहुत मशहूर चीज है ना कि अगर आप एक रास्ते से या एक जगह पहुंचने से पहले ही उसके बारे में बदगुमानी रखेंगे ना, तो आप कैसे अच्छे से या सक्सेसफुल तरीके से वहां पर पहुंच सकेंगे ना। वन ये, यस बिल्कुल सेकंड सेकंड एज अ रिसर्च, मैं हालांकि इसमें मैं कोई कमेंट या वो नहीं है, मैंने ये देखा भी है, क्योंकि जब दो पार्टनर्स होते हैं, अगर एक में एक VI है और एक नहीं है, एक देख सकता है साइडेड है, तो समटाइम्स अगर आपको साइडेड बंदा एक ही दफा कोई बात कह देगा ना, लेट्स से अगर आपको साइड पे भी, इवन आपकी साइड पे भी वो यू कैन से नेगेटिव कमेंट कर देगा ना, तो आपका बहुत दिल दुख जाता है। ठीक है, तो सिर्फ इसी दोनों के प्रोज एंड कॉन्स जी हैं। जी और जबकि वही दो हम जी जी आप बोलें प्लीज। नहीं, मतलब मैं कह रही हूँ कि आप जो कह रहे हैं ना, वो अगर एक वर्ड भी कह देगा, सिंगल वर्ड, हाँ तो जी हमें जी लगती है कि भाई, और हम खुद जब VI बैठेंगे और हम अपना मजाक खुद हाँ उड़ा लेते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा वो कर दे तो फाइन है, एक 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 साइकोलॉजिकल बात है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। थैंक यू, तो बहुत इसमें मैं जबरदस्त, लास्ट बहुत जबरदस्त। बस ला जी जी सॉरी बस मैं कंप्लीट यही कह रहा था कि इन दोनों के प्लस और माइनसेस हैं, लेकिन जो वन वर्ड इसमें सम अप करता हूँ वो, अगर आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी है, हाँ वो किसी के साथ भी है, तो वो परफेक्ट चीज और वो खूबसूरत है। लेकिन आप पहले ही माइंड मेकअप ना कर लें कि मैंने VI के साथ तो करनी है, द फ्लो रहने दें कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इसके साथ अच्छी है, बिल्कुल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना, म्यूचुअल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग है। एग्जैक्टली अच्छा, आप अबाउट योर फ्रेंड्स, आपकी जो फ्रेंड्स हैं एक साइटेड कम्युनिटी में और VI कम्युनिटी में, क्या बिहेवियर है उनका आपके साथ? मैम आप मेरी बात से शायद एग्री होंगी, दुनिया शायद मैं मतलब बड़ी सेल्फिश सी है। ठीक है, इवन मैं खुद भी समटाइम्स अगर अगर मुझे किसी से रिटर्न की तवक्को नहीं है ना, तो मैं शायद उस बंदे के साथ अच्छा नहीं होऊंगा शायद। ठीक है, इसमें शायद का मैं बार बार इस वजह से यूज करूंगा, क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी टाइम में था तो लोगों की बिहेव मेरी अचीवमेंट्स के साथ, ठीक है, कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मैंने आपको जैसे अपनी ट्रिप्स बताए और मैंने अपनी यू कैन से बताया कि मैं जी अवार्ड लिया, फिर मैं घूम बाहर दो चार मुल्क में गया, और फिर मैं इस तरह से, जो मेरी जब मेरी आपकी ग्रूमिंग होगी ना अच्छी, तो लोग ऑटोमेटिकली आपसे अटैच होते हैं। ठीक है,
लेकिन अगर आप, क्योंकि अगर मुझे उनको, मेरे दोस्तों को लगेगा कि बिल्कुल यार, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सो मेरा इस पे बस वन पॉइंट यही है कि आपको अपनी ग्रूमिंग पे, पर्सनालिटी पे काम करना चाहिए, अपनी यू कैन से स्किल्स पे काम करना चाहिए, तो डेफिनेटली लोग, दुनिया आपके पीछे आएगी। क्योंकि अगर हम छोटा सा भी कोई काम करते हैं तो बिल्कुल वो बड़ा शाइन होके बड़ा लगता है, ठीक है कि इस बंदे ने बड़ा कोई काम किया है। फिर मेरी मीडिया, जब थोड़ी सी मीडिया में रिपोर्ट्स चलना शुरू हुई डिफरेंट चैनल्स पे, सो वहाँ पे क्लास ग्रुप्स में और ये किसी यूनिवर्सिटीज में, सो वो जरा आपकी वो डिपेंड करता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया टाइम है, तो आपकी कितनी इमेज बिल्डिंग हुई हुई है, पर्सनालिटी कितनी ग्रूम हुई हुई है, ये बहुत मैटर जी करता है मेरे जी ख्याल थैंक में। यू, बहुत जबरदस्त सुलेमान, मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और रियली रियली आई लाइक इट। मैंने काफी इंटरव्यूज लिए लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो बिल्कुल आपकी ये बात से मैं एग्री करूंगी कि अपने आप को इतना ग्रूम कीजिए, अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट कीजिए कि अगला बंदा आपसे मदद मांगे कि भाई बिल्कुल हमारी हेल्प कर दो। ट्रू। अच्छा बस अब लास्ट में ये है कि आप पहले तो मुझे ये बताइए, पेरेंट्स जिनके घर में कोई वीआई है या वो फैमिलीज जिनके इर्द गिर्द कोई वीआई है, उनको आप क्या सजेशन और मैसेज देंगे? जिनके घर में वी आया है या जिनके इवन रिलेटिव में वी आया है, तो उन उनको तो सिर्फ मैं यही कहूंगा कि एक ऐसी चीज है जो अब हो गई है, ठीक है, और उसमें आपका कोई रोल नहीं है, ठीक है, मिसाल के तौर पे आप उसे अनडू नहीं कर सकते, ठीक है, तो आपके लिए ये कि अब आप सक्सेस स्टोरीज को उठा लें, इवन पाकिस्तान से। देखिए अब हमारे पास माशाल्लाह कहने के लिए है कि हमारे वी आई जज हैं, हमारे पास वी आई CSP ऑफिसर्स हैं, हमारे पास वी आई प्रोफेसर्स हैं, हम बहुत यू नेम इट, हमारे पास वो हैं जो लोग अपनी अच्छी अर्न करें। इवन आप देखें कि शायद साइडेड लोगों से काफी ज्यादा अच्छे कई वी आई हैं जो अर्न कर रहे हैं, ठीक है, सो उन्हें जब इस तरफ लेके आएंगे कि यार अगर हो गया तो आप अल्लाह को, अल्लाह की इसमें वो कहते हैं ना कि जो होता है अल्लाह अच्छे के लिए होता है, और अल्लाह ताला हमारे फेथ है, बिलीव है इस चीज पे, ठीक है, तो हम उस चीज बिल्कुल पे क्यों वो करें जो हमारे कंट्रोल में नहीं। क्योंकि जब मैं आपको बताया, मैं थोड़ी सी ट्रेनिंग्स करवाता हूँ, तो जब मैं एक सेशन का एक स्टोरी सुना रहा हूँ कि मैं जब एक सेशन में था, तो मैंने उनसे कहा कि हम सबको किसने बनाया, तो कहते हैं बड़ा बच्चों वाला सवाल था, तो कहते हैं अल्लाह ताला ने, तो मैंने कहा कि अल्लाह ताला से गलती हो सकती है, दे सेड नो, मैंने कहा श्योर एक दफा दोबारा सोच लो, अल्लाह ताला से गलती हो सकती है, उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा अगर अल्लाह ताला से गलती नहीं हो सकती तो जितने पर्सन विद डिसेबिलिटी इवन मैं हूँ, तो मेरे ख्याल से अल्लाह ताला ने मुझे बेस्ट उसमें बनाया होगा, और उनसे उनसे गलती कैसे हो बिल्कुल सकती है। सो ये चीज है कि हम अगर इतना ही सोच लें कि हमें जो जात ने बनाया और हमारा बिलीव है, तो वो गलती नहीं कर सकते, उसमें हिकमत जरूर है इसमें छुपी छुपी हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आखिर में वीआई को आप कोई वन लाइनर वीआई के मैसेज लिए तो मैं देंगे? वन लाइनर ये दे रहा हूँ कि आजकल इंटरनेट का दौर है, ठीक है, यू नेम इट, जो आप चीज करना चाहते हैं, आप आसमान से कूदना चाहते हैं, यू कैन से इसे स्काई डाइविंग बोलते हैं, जो एक स्पोर्ट्स भी है, ठीक है, आप पहाड़ों में चलना चाहते हैं या आप पानी के गहराई में जाना चाहते हैं, आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं या आप साइंस करना चाहते हैं, एनीथिंग, आप जज बनना चाहते हैं या वकील बनना चाहते हैं, कोई रुकावट नहीं है। जो लोग आपको ये कह देना कि यार इसमें तो तुम अर्निंग तुम्हारी नहीं है, उसका जहन कम है या वो तुम्हारे से छुपा रहा है कोई चीज, ठीक है, आपको ज्यादा देखिए एक एक वन लाइनर तो खैर ये ना हुए तो बात लंबी होगी, कि हमारे नहीं पास नहीं जितने इंग्लिश के प्रोफेसर हैं या जितने उर्दू के हैं, पाक स्टडीज के, वो तो लाइन से लगी हुई है। हाँ अगर आप कोई डिफरेंट फील्ड में जाते हैं उसमें अल्लाह ताला ज्यादा करता है, बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस करें, कोई भी चीज करना चाहते हैं आप करें, बिल्कुल सिर्फ उसमें आपकी रिसर्च होनी चाहिए। मेरा सोच थी कि मैं स्पोर्ट्स करूं, एडवेंचर, मैंने वो कर ली, अब मैं पढ़ने के लिए जाना चाहता था, मेरा खैर बाहर स्कॉलरशिप पे एडमिशन हो गया, सो आप वेरी हर चीज गुड, कर सकते हैं, सिर्फ आपका फेथ होना चाहिए उस चीज पे, बस। जी बिल्कुल यही है कि आपके अंदर पेशेंस हो, आपके अंदर लगन हो, तो आप आसमान से तारे भी तोड़ के ला सकते हैं। सॉरी लास्ट में बस मैं एक शेर डेडिकेट करूंगी सुलेमान को, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज श्याम पुरसोज, यही है रखते सफर मेरे कारवां के लिए।
और यहीं मैं उरूज फातिमा आप सबसे इजाजत चाहूंगी. वंस अगेन वेरी वेरी थैंक यू, और इतने कीमती वक्त में से आपने इतने शॉर्ट टाइम में से हमें टाइम दिया. और दिस इज मी साइनिंग आउट एंड सेइंग अल्लाह हाफिज. जी सुलेमान, थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू.